चंडीगढ़ में जो कानून के मुताबिक होगा वही किया जाएगा। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित हो रही है और इसे स्मार्ट सिटी बनाकर ही रहेंगे। कानून के तहत जो भी प्रस्ताव आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्री बांटने के लिए सिस्टम होना चाहिए। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि फ्री बांटने का भी एक सिस्टम होता है। आप इसके लिए रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे पहले उस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह कोई राजनीति नहीं करते हैं। राजभवन में रहते हुए वह अपने खाने का पैसा खुद देते हैं। उनके ऊपर अपमानित करने जैसा शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। पानी पर 1200 करोड़ का होता है खर्चा। गवर्नर ने कहा कि पानी पर 1200 करोड़ का खर्चा हो रहा है जबकि रेवेन्यू 500 करोड़ का ही मिल पा रहा है। 700 करोड़ रुपए पहले से घाटा चल रहा है। इसके बाद इस तरह से फ्री पानी देने की घोषणा सिर्फ जनता को गुमराह करने वाली है। अगर ऐसे फ्री पानी देंगे तो कर्मचारियों की सैलरी कहां से आएगी? पहले जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? इसका इंतजाम किया जाना चाहिए। यहाँ का कॉर्पोरेशन का खर्चा है रफली, एग्जैक्ट फिगर तो मैंने नहीं लिए, तो 1150 से 1200 करोड़। रेवेन्यू ये लोग जो जनरेट करते हैं कॉर्पोरेशन, इट इज हार्डली 500 करोड़। फिगर लिखिए, डेफिसिट 600-700 करोड़। हमसे यूटी से पैसा मांगते हैं, हम सेंटर से मांगते हैं, उनको जस्टिफाई करना पड़ता है। उनको अभी इनका बढ़ा के 560 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। अब पानी का एग्जाम्पल ले लो, इसमें से बात करके यूटी फंड इनको कॉर्पोरेशन को, नहीं तो नौकरी नहीं निकली, तनख्वाह नहीं दे सकते। पूरी ग्रांट पे चल रहा मामला इनका, और हमको धमकाते हैं। परमिशन लो हमारे, है कि नहीं? पर कुछ नहीं, इस तरीके से सत्ता कैसे चलेगी? जंगल राज तो नहीं है, दे लीजिए सिस्टम, पहले जस्टिफाई करो ना। फ्री में बांट रहा तो पैसा कहां से? इतनी बढ़िया स्कीम अभी चल रही है, मनी माजरा में अभी लॉन्च होना है, काम शुरू हो गया, एग्रीमेंट बन गए। 24/7 की स्कीम, दैट इज द बेस्ट फॉर सूटेड टू अवर चंडीगढ़। 7/24 सातों दिन 24 घंटे की फ्री में हमको पानी दो, और सबसे मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ है पानी सारे सिटीज में। फिगर था आप, और यू मीन टू से आई एम कंट्रोलिंग द फाइनेंस ऑफ द यूटी, मैं इसको लुटने दूंगा क्या? Am I not responsible to safeguard my interest? मैं बोलते हैं कि गवर्नर ने हमारा अपमान किया। तो उसके लिए पहले तो फाइल लिखने वाले का साइन होता है, फिर अंडर सेक्रेटरी, देन डिप्टी सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी, then deputy minister, then minister for the poor people throughout my life, तभी पहुंचा हूं मैं यहां। जब यंग था तब पूछो नागपुर वालों, राजस्थान में पैदा हुआ, महाराष्ट्र में गया, और वहां पर लोगों ने सर आंखों पे उठाया ना, काम किया ना,
और प्लान तरीके से डिसिप्लिन से काम किया। देख लो भाई, और मजे की बात प्रेम से जैसे ये साइन कर देंगे, जैसे ये म्यूनिसिपल कमीशन साइन करेगी, ऐसे भेज देंगे रिपोर्ट। पूरे रिपोर्ट तो आना था, रिपोर्ट है कहाँ? क्या बोल रहे हैं, गवर्नर ने रिएक्ट करना था रिपोर्ट के बाद में। आई कांट एंटर ए वर्ल्ड यू शुड नो। अब ये बिना मतलब की बात किया कि नहीं है? आपने कॉलम वालम लिखना चाहिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।